अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग पाकिस्तान की नंबर वन टिकटॉकर जन्नत मिर्जा के बारे में बात करेंगे। जन्नत मिर्जा कैसे टिकटॉकर बनी, उनका लाइफस्टाइल, उनका घर, फैमिली, फ्यूचर प्लान्स। तो दोस्तों, जन्नत मिर्जा का शुमार पाकिस्तान के टॉप टिकटॉकर्स में होता है और जन्नत मिर्जा हाल ही में टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर चुकी हैं। 21 साला जन्नत मिर्जा ने टिकटॉक को एज शौकिया यूज करना शुरू किया था और ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, और जब लोग उनको जाने लगे और पसंद करने लगे और उनको भी ये सब कुछ अच्छा लगने लगा और वो टिकटॉकर बनने के बारे में सीरियस हो गई। जन्नत मिर्जा का ताल्लुक सूबे पंजाब के शहर फैसलाबाद से है। जन्नत मिर्जा के वालिद एक पुलिस एसपी हैं और जबकि वालिदा हाउसवाइफ हैं। जन्नत मिर्जा तीन बहनें हैं। जन्नत मिर्जा की छोटी बहन अलिशबा मिर्जा भी एक टिकटॉकर है जो के फॉलोअर्स के हिसाब से पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर है, और जन्नत मिर्जा की बड़ी बहन सहर मिर्जा यूट्यूब की एक मशहूर ब्लॉगर है। जन्नत मिर्जा ने फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड डिजाइन से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट किया और आजकल आगे की पढ़ाई के लिए जापान गई हुई हैं। जन्नत मिर्जा टिकटॉक के जरिए काफी मशहूर हो चुकी हैं और टिकटॉक के अलावा वो एक मशहूर म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं, और जिस म्यूजिक वीडियो ने दो हफ्तों में ही 20 मिलियन व्यूज लिए, ये गाना सरमद कदीर का गाया हुआ था। इसके अलावा सैयद नूर और साइमा ने भी जन्नत मिर्जा को अपनी फिल्म में कास्ट किया और फिल्म तकमील के आखिर मराहिल में है। जन्नत मिर्जा का कहना है कि उनके वालिद की तरफ से फिल्मों में काम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सैयद नूर ने मेरे फादर से पर्सनली बात की और उनको यकीन दिलाया कि ये एक फैमिली फिल्म होगी और शूटिंग के दौरान भी माहौल साफ रखा जाएगा, तो फिर उनके वालिद ने इजाज़त दे दी। जन्नत मिर्जा का मजीद कहना है कि शूटिंग के दौरान उनकी वालिदा भी उनके साथ होती हैं। जन्नत मिर्जा को पाकिस्तान ही से नहीं बल्कि इंडिया से भी फिल्म की ऑफर्स आ चुकी हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं इंडिया जाकर कभी भी काम नहीं करना चाहती। इसके अलावा जन्नत मिर्जा और उनकी बहन अलिशबा मिर्जा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करती हैं। जन्नत मिर्जा किसी भी ब्रांड की इंडोर्समेंट का 1.5 से 2 लाख रुपया लेती हैं। जन्नत मिर्जा के पास अपनी खुद की एक लैंड क्रूजर भी है और उनको ड्राइविंग का खासा शौक भी है। इसके अलावा उनको स्विमिंग और ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। शादी के बारे में वो बिल्कुल भी इस वक्त सोचना नहीं चाहती और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई और टिकटॉक पर रखना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।